साबिक अटॉर्नी जनरल अशदर औसाफ ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजिस की जानिब से आयद इल्जामात को इंतहाई संजीदा करार देते हुए तहकीकात का मुतालबा कर दिया। उन्होंने वाजे किया कि हर इदारे को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। इल्जामात सच्चे हों तो इदारों को भी सद्देबाब की कोशिश करनी चाहिए। अदालती उमूर के माहिरीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के खत में लगाए गए इल्जामात को इंतहाई संजीदा करार दे दिया। अशदर औसाफ ने इल्जामात की फौरी तहकीकात पर जोर दिया। हर इदारे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, क्या हम इन मामलात को जो है वो दुरुस्तगी की तरफ नहीं लेके जा सकते? जरूर लेके जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सीरियस एलिगेशन है और इन एलिगेशन की तहकीकात होनी चाहिए। अगर ये गलत एलिगेशन है तो फिर साबिक अटॉर्नी जनरल अशदर औसाफ ने इस मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के किरदार को इंतहाई अहम करार दिया। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की होगी, उनकी और उनके इदारे की ये जिम्मेदारी है कि इन मामलात के ऊपर जितनी जल्दी हो सके इस मामले की तहकीकात करें। वो जो भी तरीका है, जो भी वो फैसन समझते हैं, वो करके इस मामले को अरेस्ट करके इसको खात्मे की तरफ लेके जाएं। अशदर औसाफ ने यह भी मौकफ अपनाया कि अगर जजेस के इल्जामात सच्चे साबित हों तो इदारों को भी इन मामलात के सद्देबाब की कोशिश करनी चाहिए।